फिर वह घड़ी आ गई जिसका सबको था इंतजार। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के फैंस को था इस दिन का बेसब्री से इंतजार। तो जाने क्या है वह मामला, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरी, जहां बता दे कि पवन सिंह का गाना आया था कि आंख ना मिला पैबू, उसके बाद अक्षरा सिंह का एक पोस्टर शेयर हुआ था कि नजर के सामने आना नहीं, तभी से लोगों के बीच होड़ सी मच गई थी कि कौन सा गाना कितना सुपरहिट होने वाला है। पवन सिंह का गाना तो काफी अच्छा चला, बता दें कि एक दिन के अंदर उसने 1.5 मिलियन के आंकड़े को पार कर लिया था। आज अक्षरा सिंह का गाना आया और आते आते ही धमाल मचा दिया, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह के गाने का क्रेज था वैसा अक्षरा सिंह के गाने का क्रेज हमें देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अक्षरा सिंह का गाना अभी 1 लाख भी नहीं क्रॉस कर आया है और वहीं पवन सिंह का गाना ने कुछ घंटे के अंदर ही मिलियंस को पार कर लिया। तो जो भी हो दोस्तों, अक्षरा सिंह जो भी कहे, लेकिन कुछ भी हो, हमारे पावर स्टार तो पवन सिंह है और पवन सिंह जो करते हैं वह एक इतिहास होता है भोजपुर में, यह तो सबको पता ही है। अक्षरा सिंह के गाने को लेकर उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पे वह खरे नहीं उतर पाई, क्योंकि इससे पहले भी अक्षरा सिंह के कई गाने काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए थे, लेकिन हमारे पावर स्टार तो पावर स्टार है, यह तो सबको पता है। और जैसे ही गाना आया, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के फैंस में फिर से एक लड़ाई से छिड़ गई और लोगों ने जमकर एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक दो दिन के बाद का आंकड़ा क्या सामने आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक जितने भी गाने का रिव्यू और जितना भी गाने के व्यूज़ के हिसाब से अक्षरा सिंह पे भारी पड़ गए हैं पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने फिर एक बार पछाड़ दिया है अक्षरा सिंह को। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसके बाद अक्षरा सिंह का क्या कदम होगा, वह हम आपके लिए जल्द ही रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।